आगे आगे तो इंटरनेशनल है, लेकिन नेशनल पाने के लिए भारत सीरीज हर बॉडी बिल्डर का एक सपना रहता है। तो उसके लिए वो जितनी भी जद्दोजहद जान लगा दे, वो इस कंपटीशन को करने के लिए आखिरी दम तक फाइट करता है, उसके बाद ही वो आगे बढ़ सकता है। और जब कामयाबी हासिल की तो अचीवमेंट के बाद भी नहीं यकीन होता कि हम लोगों ने भारत सीरीज अचीव कर लिया है। फैमिली सेक्रीफाइस करना है, दोस्तों को सेक्रीफाइस करना है, बहुत सारे दोस्त को गुस्सा आ जाता है मेरे साथ टाइम नहीं दे रहा है, शादियों को पोस्टपोन करना पड़ता है, डाइट को करना पड़ता है, हर चीज़ को बहुत मेंटेनेंस है और बहुत ज़्यादा लोगों से कटना पड़ता है। भिवंडी के यूथ को मैंने मैसेज देना चाहूँगी, यहाँ पर खाली एक लाइफ स्टाइल बना के रखे, कोई मोटिवेशन नहीं लेते, बस थोड़ा सा बन जाए, मैं लाइफ स्टाइल कर लूँ, मैं इसको दिखा लूँ, दूसरों को दिखाने के लिए बॉडी बना रहे, अपनी हेल्थ के लिए नहीं बना, अपनी हेल्थ के लिए बनाओ, अपने मोटिवेशन के लिए बनाओ, अपने करियर के लिए बनाओ, तो आप सक्सेस हो जाओगे। अगर दूसरे के लिए बना रहे तो कुछ दिन की बात है। इन इस खुशी के पीछे जितनी मेहनत है उसकी, वो करने वाला और कराने वाला ही जानता है। लोगों को तो बनने के बाद खूबसूरत ताजमहल दिखता है, लेकिन उस ताजमहल की तामीर के लिए कितनी मेहनत की गई है, और उसमें उस इस मेहनत के पीछे कोई भी बॉडी बिल्डर ये नहीं बोल सकता कि मैंने अकेले ने मेहनत करके ये खिताब हासिल किया, ये टाइटल लिया है। उस बॉडी बिल्डर के पीछे बाकायदा एक पूरी टीम रहती है, ऐसा उस टीम में अभी हमारे जिम के लुकमान है, मुस्तकीम है, और भी काफ़ी लड़के लोग आए, इकबाल फरीद है मेरा लड़का, इन सब की मेहनत उसके पीछे है, जब जाके एक बॉडी बिल्डर अपने टारगेट को पहुंच पाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी, आप देख रहे हैं लाइफ इन भिवंडी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सल जिम में। अभी 26 जून को एक बेंगलोर में एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर हमारे भिवंडी के वाजिद खान ने दो टाइटल मारा था, एक भारत श्री और एक भारत सर्वश्रेष्ठ श्री 2022 और 2023 का। तो इसीलिए हम यहाँ पर जिम में आए हैं खास उनसे बातचीत करने के लिए। आइए चलते हैं, खुद वाजिद खान से बातचीत करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वाजिद भाई, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपका ये जो टाइटल आप जीते हैं, ये क्या होता है, इसका महत्व क्या है और ये किस लेवल तक है? ये टाइटल हम लोगों ने भारत श्री जो है ये हमारे एसोसिएशन का, जैसे मिस्टर इंडिया है वेट का, वैसे हमारे एसोसिएशन का हाइट का सबसे बड़ा टाइटल है, वो भी एक तरफ से मिस्टर इंडिया ही है। अब इसको अचीवमेंट करना ही एक कॉम्पिटिटर का सपना इंडिया के अंदर, कि मैं एडवेंचर बॉडी बिल्डिंग टॉल से जो खेल रहा हूँ, तो मेरे को ड्रीम है मेरा कि मैं भारत श्री लूँ। और उसके आगे तो इंटरनेशनल है, लेकिन नेशनल पाने के लिए भारत सीरीज हर बॉडी बिल्डर का एक सपना रहता है। तो उसके लिए वो जितनी भी जद्दोजहद जान लगा दे, वो इस कंपटीशन को करने के लिए आखिरी दम तक फाइट करता है, उसके बाद ही वो आगे बढ़ सकता है। क्योंकि अमिंचर ही एक ऐसा चांस है कि वो अपने आप को प्रेजेंटेशन कर सकता है, क्योंकि आगे बहुत बड़े चैलेंज है बॉडी बिल्डिंग वेट कंपटीशन में जाने के लिए, तो उसको लाइन ही नहीं मिलेगी इतने बड़े बड़े बॉडी, तो उसको अपने आप को ऐड करने के लिए कम से कम भारत श्री तो कंपलसरी उसको लेना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि आज के कॉम्पिटिशन में देख रहे हो आज कॉम्पिटिशन कितने हो गए, उसके लिए इसकी तो बहुत ज़्यादा ही वैल्यू है और मिलती भी नहीं है। हम लोग का तो एक ड्रीम है, वो तो हो गया सर की, और बहुत सबकी अपनी अपनी एक मेहनत रहती है बॉडी बिल्डर के पीछे, तो हम लोगों ने उसमें कामयाबी हासिल की। और जब कामयाबी हासिल की तो अचीवमेंट के बाद भी नहीं यकीन होता कि हम लोगों ने भारत श्री अचीव कर लिया है। हम लोगों को 26 को भारत श्री का शाम में कॉम्पिटिशन ऑल इंडिया फेडरेशन के जो कॉम्पिटिटिंग थे उसके अंदर हम लोगों ने जाके पार्टिसिपेट किया बेंगलोर के अंदर। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि आपको अभी एक टाइटल मिल चुका है, दो टाइटल मिल चुका है बड़े बड़े, ये सब सफ़र के दौरान आपको कोई दिक्कत आई थी ऐसा कुछ? दिक्कत तो नहीं, बस एक ये है कि इसको पाने के लिए आपको मालूम है हर तरीके से सेक्रीफाइस करना है, फैमिली सेक्रीफाइस करना है, दोस्तों को सेक्रीफाइस करना है, बहुत सारे दोस्त को गुस्सा आ जाता है मेरे साथ टाइम नहीं दे रहा है, शादियों को पोस्टपोन करना पड़ता है, डाइट को करना पड़ता है, हर चीज़ को बहुत मेंटेनेंस है और बहुत ज़्यादा लोगों से कटना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जिम में करना पड़ता है। जिनको समझ जाता है ठीक है, वो मोटिवेशन करते, कुछ दोस्त इसमें नाराज़ भी हो जाते हैं कि यार वो टाइम नहीं दे रहा है, लेकिन टाइम नहीं रहता है, उनको समझना चाहिए कि सबको मैनेज और नहीं हो पाता है मैनेज, क्योंकि अगर आपको उस लेवल पे जाना है
तो सबको मैनेज नहीं कर पाओगे, उल्टा उनको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा कि यार वो बंदा मैनेज कर रहे ना तो उसको सपोर्ट करो। आप कौन सी जिम से आते हैं? मैं यूनिवर्सल भिवंडी फिजिक सेंटर। हम लोगों की तो अभी दो जिम हो गए, यूनिवर्सल 2 भी है, यूनिवर्सल 1 भी है। अच्छा, हम इस वक्त जिधर खड़े ये यूनिवर्सल 2 है? ये यूनिवर्सल 2 है। अच्छा, और हमारे चैनल के माध्यम से आप भिवंडी के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भिवंडी के यूथ को मैंने मैसेज देना चाहूँगी, यहाँ पर खाली एक लाइफ स्टाइल बना के रखे, कोई मोटिवेशन नहीं लेते, बस थोड़ा सा बन जाए, मैं लाइफ स्टाइल कर लूँ, मैं इसको दिखा लूँ, दूसरों को दिखाने के लिए बॉडी बना रहे, अपनी हेल्थ के लिए नहीं बना, अपनी हेल्थ के लिए बनाओ, अपने मोटिवेशन के लिए बनाओ, अपने करियर के लिए बनाओ, तो आप सक्सेस हो जाओगे। अगर दूसरे के लिए बना रहे तो कुछ दिन की बात है, थोड़े दिन के बाद वो आपका मोटिवेशन फिनिश हो जाएगा, क्योंकि दूसरे को दिखा, अपने अंदर जज्बा जुनून है तो आपको कंपलसरी रखे, कोई भी फील्ड हो, चाहे वो मेरी बॉडी बिल्डिंग किसी भी फील्ड में हो, अपने लिए करो, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं करने का। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि आपके कोई गुरु कोच वगैरह कोई है? हाँ, मेरे सर जो शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे को अभी भी सपोर्ट करे, जो कि मैं कि अभी इंटरनेशनल में हूँ, कुवैत में कोचिंग कर रहा हूँ, इसी जिम की बदौलत हम लोगों ने बहुत आगे तक आया, वहाँ भी हम लोगों ने बहुत मेहनत की, और रिजवान सर है आपके सामने खड़े भी हो, रिजवान फरीद सर, वो हम लोगों को हर चीज़ से पहले इन्फॉर्म करते हैं, ट्रेनिंग से लेके डेट से लेके कि तुम लोग अलर्ट रहो, ऐसा ऐसा चल रहा, हमको इन्फॉर्मेशन एक गाइडलाइन इन्हीं से मिलती है, क्योंकि मैं तो अब बाहर काम करने लगा हूँ, शुरू से लेके आखिर तक जितने भी कॉम्पिटिशन की डेट प्रिपरेशन उन्हीं के अंडर में कर रहा हूँ। रिजवान सर, मैं आपसे अब बात करना चाहूँगा कि मैंने देखा है आप कई साल से इस जिम में हो और आप भी कई टाइटल जीत चुके हो जी, तो ये आपके जिम का एक लड़का इतना बड़ा अचीवमेंट ले गया, आपको कैसा लगा इसमें? बहुत खुशी महसूस हो रही है। मेरे जिम से इसससे पहले भी अल्तमश मोमिन था, उसने भी भारत श्री टाइटल लिया है, इकबाल फरीद ने भी भारत उदय, भारत किशोर और भारत श्रेष्ठा टाइटल ले चुका है जूनियर का, काफ़ी बच्चे टाइटल ले चुके हैं, और ये वाजिद खान, इसने 2 बार महाराष्ट्र श्री टाइटल भी लिया है और भारत उदय भी लिया, और अभी भारत श्री और सर्वश्रेष्ठ यानी भारत श्री से भी ऊंचा वो टाइटल भी अभी इसने लिया है, तो काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। लेकिन इस खुशी के पीछे जितनी मेहनत है उसकी, वो करने वाला और कराने वाला ही जानता है। लोगों को तो बनने के बाद खूबसूरत ताजमहल दिखता है, लेकिन वो ताजमहल की तामीर के लिए कितनी मेहनत की गई है, और उसमें उस इस मेहनत के पीछे कोई भी बॉडी बिल्डर ये नहीं बोल सकता कि मैंने अकेले ने मेहनत करके ये खिताब हासिल किया, ये टाइटल लिया है। उस बॉडी बिल्डर के पीछे बाकायदा एक पूरी टीम रहती है, जैसे उस टीम में अभी हमारे जिम के लुकमान है, मुस्तकीम है, और भी काफ़ी लड़के लोग हैं, इकबाल फरीद है मेरा लड़का, इन सब की मेहनत उसके पीछे है, जब जाके एक बॉडी बिल्डर अपने टारगेट को पहुंचता है। अच्छा, भविष्य में भी इस जिम से और कोई इस तरह के वाजिद खान के से बच्चे निकलेंगे? इंशाल्लाह निकलेंगे, क्योंकि पहले भी इस जिम से, इस जिम का रिकॉर्ड है आया सन 2000 से, कि यहाँ से जितने भी जो थाना डिस्ट्रिक्ट के और नेशनल लेवल तक बड़े बड़े जो बॉडी बिल्डर है सब इसी जिम से निकले हैं, और इंशाल्लाह आगे भी निकलेंगे। अभी एक नया रहजान शुरू हुआ है मेन फिजिक का, जिसमें हमारे जिम के काफ़ी लड़के आगे निकल चुके हैं, हमारे जिम से मुस्तकीम बर्डी ने डिस्ट्रिक्ट टाइटल 3 टाइम लिया है, भिवंडी टाइटल लिया है, उसकी वो टाइटल के बारे में ज़रा बताएंगे जो इन्होंने लिया है? ये मेन फिजिक बोले तो एक तरह से ये मॉडल फिटनेस का गेम है, मॉडल फिटनेस, हाँ, इसमें खूबसूरत जिस्म, खूबसूरत चेहरा, उसमें हर चीज़ की दिखाई, इस तरह की बॉडी नहीं। अच्छा, अच्छा, लेकिन सिर्फ अपर बिल्ड, लेकिन वो भी ब्यूटीफुल होना चाहिए। अच्छा, समझे, वो टाइटल इन्होंने, वो टाइटल मुस्तकीम ने लिया है, इवन नेशनल तक, नेशनल में भी उन्होंने गोल्ड मेडल लिया है। तो यहाँ से इस तरह के भी बच्चे तैयार होते हैं? इस तरह के ही बच्चे तैयार होते हैं, और फिर एक बॉडी बिल्डिंग की टीम बनती है, उस बॉडी बिल्डिंग की टीम में हमारे जिम से ऐसा लुकमान है, नीलेश दौने हैं, राहुल जाधव है, ऐसे कई बच्चे, अनगिनत बच्चे हमारी टीम में शामिल हैं यहाँ पर।